सो गाइस देखिए यहाँ पर अम्मी जो है गेहूँ तौल रही है। देख सकते हैं गांव में इस तरह से जो है तराजू होते हैं और इस तरह से तौला जाता है। और सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम करते हैं एक न्यू ब्लॉग में, फ्रेश ब्लॉग में। आज जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि सोनू जो है आज चला जाएगा, ठीक है। और देखिए सोनू बैठा हुआ है यहाँ पर, तो सोनू से चलिए पूछते हैं। सोनू नानी के यहाँ पर है, तो सोनू को कितना मतलब कि दुख हो रहा है यहाँ से जाने का। सोनू, तो यहाँ पे मज़ा आ रहा था तुम्हें? हाँ। पहले सबको गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो नगरीश। गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो तो सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है कि वहाँ पर? अच्छा एक मिनट, वहाँ पे मज़ा आता है कि नानी के यहाँ मज़ा आता है सोनू? नानी के यहाँ इसको मज़ा आता है। और वहाँ पे क्यों नहीं मज़ा आता है? वहाँ पर मम्मी पढ़ने भेजता है। पढ़ने भेजती है इसकी मम्मी। लेकिन सोनू पढ़ने जाया करो, ठीक है? पढ़ोगे आगे तो तभी तो आगे बढ़ोगे। चलिए सोनू आपसे वहाँ पे जाएगा और डेली पढ़ाई करेगा, सोनू ने बोल दिया है। लेकिन बीच बीच में यहाँ पर भी आएगा, ठीक है सोनू? ठीक है, ठीक है। तो नरगिस सबको गुड मॉर्निंग बोलो। जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। इधर देखो, इधर देख के बोलो गुड मॉर्निंग। हाँ तो नरगिस भी आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही है, तो इसका भी गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोग। उधर देखे सोनू जाने के लिए तैयार है और बहन भी तैयार है, तो आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि घर थोड़ा खाली खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर अम्मी जो है गेहूँ तौल रही है। देख सकते हैं गांव में इस तरह से जो है तराजू होते हैं और इस तरह से तौला जाता है। और वो बहन है मेरी, आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के लोग इसी तरह से तराजू में तौला करते थे। अब तो सब मशीन वाले जो है तराजू आ चुके हैं, देख सकते हैं। और वो जो है कोठी बोलते हैं जहाँ से गेहूँ निकाला हुआ, देखिए। अभी तो ये जो है मतलब कि टिन का है, पहले मिट्टी का कोठी हुआ करता था, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको कि गेहूँ जो है किस में रखा जाता है। ये देखिए, ये है कोठी और इसी में जो है गेहूँ को रखते हैं ताकि गेहूँ ख़राब ना हो। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके निकाल के पिसवा के आटा पिसवाते हैं। देखिए छोटा कोठी है और ये बड़ा वाला है। पहले मिट्टी का होता था लेकिन अब जो है मतलब कि स्टील वगैरह पत्थर वगैरह का जो है बनाया जाता है, देख सकते हैं आप। सो गाइस देखिए आफिया के पास कितने सारे नोट हैं और ये सोच रही है, ठीक है बोले कि मत बोलो सबको, ऐसे बोल रही मत बोलो। तो आफिया नोटों की गद्दी में देखिए खेल रही है, ठीक है। हम जैसे गरीब हैं और लेकिन आफिया बहुत ही अमीर है, देख सकते हैं नोट है इनके पास। सिर्फ आफिया सबको गुड मॉर्निंग बोलो, चल रही फटाफट गुड मॉर्निंग बोलो। और ये देखिए सोनू। सो गाइस हम ये रहा सोनू, आज सोनू जा रहा है, इसका मन नहीं कर रहा है फिर भी जा रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती भेज रहे हैं इसको, सोनू बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है इसको। जा रहे हैं तो बहन जा रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। सो फ्रेंड्स अभी जो है खाना बनाने की तैयारी हो रही है और आज खाना बन रहा है दाल भात और भुजिया। अभी तो देखिए अधन में जो है चावल दे दिया है, आप देख सकते हैं। और गांव में जो है इस तरह से चूल्हे पे खाना बनाता है। हमें देखिए हमें खाना बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मसाला पिसा ही हो रहा है, देख सकते हैं ये। तो अभी जो है मसाला पिसा ही हो रहा है, आप देख सकते हैं आफिया की अम्मी मसाला पीस रहे हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए मसाला जो है पीस के रेडी कर लिया है, आपको दिखाते हैं गांव में जो है मसाला मतलब कि कैसे पीसते हैं।
और जो मतलब कि सिल्ला होता है मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है वहाँ पे पीसते हैं, और उसके बाद जो है पीसा हुआ मसाला सब्जी में डालते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा मसाला होता है, पीसने के बाद कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स देखिए मसाला, देखिए इस तरह से जो है पूरा मतलब पीसा हुआ मसाला इस तरह से होता है। देखिए पूरा जो है इसका ग्रेवी बन जाता है। अब इसको जो है मसाले जब खाना में मतलब कि जब खाना बनाएंगे तो तड़का जब मारेंगे और जब प्याज भून के और ये मसाला गिरा देते हैं, ठीक है। तो आज जो है खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है, दाल भात और भुजिया, ठीक है। देखिए इस तरह से। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और कल के ब्लॉग में जो है फिर मिलेंगे। और इसी तरह से जो है सपोर्ट करते रहिए, आजकल जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, थोड़े व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं अभी हम वहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और मेरे साथ ये मुजाहिर, ठीक है मुजाहिर, ठीक है। चलिए तो आज मुजाहिर खाना खाया था ना, खाए अब खाएंगे। भोरे खाना खाया था नहीं, भोरे से मुजाहिर भुखले हैं तो हम तो भोरे खाना नहीं बनाया था क्या? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी खाना बन रहा है तो मुजाहिर को खाना खिला के यहाँ से भेजेंगे। सो गाइस अभी जो है मुझे पता है आप लोगों को उतना अच्छा ब्लॉग नहीं लगता होगा, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, तो इंशाल्लाह जो है बहुत ही अच्छा ब्लॉग आप लोगों को आगे चल के देखने को मिलेगा।